पकौड़ी खा रहे भगवानी से अभी आगे लक्ष्मण झूले में नहीं बैठ सकते, बंद है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कहीं जा रहे हैं, मैं, मम्मी और दीदी, मतलब दीदी और मैं कहीं और जा रहे हैं और मम्मी कहीं और जा रही है, पर घर से साथ जा रहे हैं और मम्मी रास्ते में उतर जाएगी, तो आप आगे व्लॉग में देखोगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि अंकल नहीं है व्लॉग में, मज़ा नहीं आ रहा है, वो तो चार चांद लगा देते हैं। तब खुश क्या हो रहे हो? खुश तो रहते, मैं तो खुश ही रहता हूँ। पूरी दुनिया मेरी कद्र करती है, एक तेरी मम्मी के अलावा। मम्मी के लिए तो मैं बस वही जरा क्या वही मैं भी कद्र करनी चाहिए। करती है मम्मी भी, करती है। तेरी मम्मी है तब तू उसकी साइड लग रही, कभी पापा की साइड भी लगा। तो आप भी तो मेरे पापा हो। हाँ, तो फिर मम्मी मम्मी क्या करती, पापा की साइड भी लगा कर। मैं सच बोलती हूँ। हाँ, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है तू, बाकी सब झूठ है। ओके, अभी मैं, मम्मी और दीदी निकल चुके हैं अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा कितना सुंदर लग रहा है रात को। ये लोग पकौड़ी खा रहे हैं। अभी गाड़ी रुकी हुई है और मम्मी यहाँ दाल देख रही है। मम्मी जा रही है बुआ के घर को, उतर रही है। बाय मम्मी। तो अब हम जा रहे हैं, हल्द्वानी से निकल चुके हैं। ब्लॉग में फीचर होंगे क्या? ये हटा दे यार एक बार। शक्ल नहीं दिख रही क्या इसे? दिख ले, बढ़िया लग रही हो। ब्लश भी लगा के लई है। शायद ये नहीं बताना था कैमरे में। ब्लश नहीं है, ब्लूबर्ड्स नेचुरल है। ये नेचुरल है, नेचुरल ग्लो, नेचुरल था। वाइट हो नहीं, दिस इज आल्सो नेचुरल। ये हो गया आजकल हल्द्वानी में रह रहे के। OMG। और अगर आपको जानना है तो सब्सक्राइब करो मन्नू को। तो धोनी ऐसी लग रही है। क्यों लग रहा है मुझे? क्यों नहीं लगना, प्लीज कूल लगना है जो मैं लग नहीं पाती। चलते मुझे बनाओ। अभी हम आ गए हैं देहरादून, क्योंकि हमारी बस थी देहरादून तक अल्मोड़ा से। और ये इनका ISBT लुक देख लो यार। फोटो मैम, मैम बिग फैन। पूरे अंधेरे मारो बट या नाइस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। एयरफोन से दोनों गाने सुन रहे हैं और इन्होंने मुझे बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करवा रहे हैं लोग। देहरादून से आगे का रास्ता बहुत सुंदर था, पूरी ग्रीनरी थी। हम पहुंच चुके हैं अभी जहां मैं आना था, और ब्लैक टी पी रहे हैं। ब्लैक टी पी रहे हैं। ब्लैक टी, ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर।
तो जब हम ISPT पहुँचे ऋषिकेश के तो हम लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए क्या करे। और फिर हमने सोचा कि लक्ष्मण झूले के पास जाते हैं और वहीं पे कहीं पे होटल्स देख लेंगे। तो हम ऑटो में बैठ गए। हम देहरादून से ऋषिकेश आने वाले थे और हमें एक दिन के स्टे के लिए रूम चाहिए था। वहाँ पर लोग हमसे आकर बोल रहे थे कि यहाँ चले जाओ, वो सही है, ये सही है। तो फिर हम लोगों की बातें सुन के इतना परेशान हो गए थे, फिर हमने सोचा कि खुद ही जाके हम होटल देख लेते हैं, रूम वगैरह जो सही लगेगा। हम रूम देखने जा रहे हैं अभी, और अभी मतलब देखने जा रहे हैं, डिसाइडेड नहीं है, फिर डिसाइड करेंगे। जा रहे दूसरे होटल की तरफ, MS गेस्ट हाउस, इसको भी दिखाती हूँ आपको। चलो गाइज, हमें यहाँ भी रूम पसंद नहीं आया और हम दूसरी जगह देखने जा रहे हैं। We are not satisfied. गाइज, हम लोग लिफ्ट में अटक गए हैं, मतलब अटके नहीं है, ये कुछ भी हो रहा है इस लिफ्ट में। फाइनली हमने रूम ले लिया है। क्या नाम है होटल का? मतलब वी हैव विजिटेड सो मेनी होटल्स एंड फाइनली हमको ये पसंद, फाइनली हमें पसंद आ गया है। पता किसी में ऐसा हो रहा था कि हमें मतलब रेट हमारे सही नहीं लग रहा था, कभी हमें इंटीरियर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये सारे हमने होटल्स देखे। उसके बाद हमें जो सबसे हमारा एक लीनियर लाइन आई हमारी, ये ठीक है, रेट भी ठीक है, व्यू भी ठीक है। मैं बताऊंगी आपको रेट बाद में। हाँ, और होटल का नाम है हाईलाइट। हाईलाइट है ना होटल? हम दिखा देंगे नीचे से। हाँ, नीचे से दिखा देंगे और बहुत अच्छा है, अभी दिखाती हूँ। पक्का विजिट करना है यहाँ पे अगर ऋषिकेश आओगे तो। गाइस, रूम टूर दूंगी। रूम कमेंट करो, कमेंट कमेंट करो। वैसे मैं दे दूंगी बिना कमेंट करे भी। नहीं तो मॉरियल कमेंट तो करना पड़ेगा, वीडियो यहाँ तक देखे तो कमेंट तो करना पड़ेगा। कमेंट करना और फिर मैं दिखाऊंगी रूम भी आपको, और बहुत अच्छा रूम है और कैफे भी बहुत अच्छा है, ऊपर मैं दिखाऊंगी और दिखाती हूँ आपको। अभी तो हम बहुत थक गए हैं, फाइनली देखोगे हमारे साथ तो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। तो फिर अभी हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं घूमने, फिर दिखाती हूँ आपको ऋषिकेश। आयल दीदी हमारा प्लान बता रही है आज। हमको लगा था कि बहुत ठंड होने वाली है, जो ठंड हो रही है। हर्ष भैया ने भी कहा था ठंड हो रही है, कपड़े लेके आना। बहुत होगी क्योंकि यहाँ पे घाट है ना। तो फिर अभी हम चलते हैं अपने लिए वो हमारी टी शर्ट लेके आते हैं ओवरसाइज्ड, फिर नीचे से जीन्स पहन लेंगे और टी शर्ट पहनते हैं, चलते हैं। पहले जाते हैं रामझूला, रामझूला भी दिन में कवर कर लेंगे, मतलब अप्रॉक्स 4:30 बजे। फिर आई थिंक 5:30 के अप्रॉक्स वो होती है त्रिवेणी घाट, इनसे पूछ लेंगे रिसेप्शन में कब होती है। फिर आरती देखने जाते हैं, आरती से आते हैं फिर लक्ष्मण झूला, फिर लक्ष्मण झूला में बैठेंगे। लक्ष्मण झूले में नहीं बैठ सकते, बंद है वो। यूट्यूब चैनल लेके आप सब लोगों के लिए। यार आपको गाना सुनाओ प्लीज। चलो ठीक है। जितेन धूप लगी आवे, और अभी कर लिया मेरा, उसके बाद दिखाते हैं आपको। अब हम जा रहे हैं रूम से, हम निकल रहे हैं 5 बजे, अराउंड 4:50 हो रहा है, और अब हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। कब हम कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता है। दीदी ने ग्राउंड फ्लोर की जगह फर्स्ट फ्लोर कर दिया और हम फर्स्ट फ्लोर में ही उतर गए। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई है तो हम छोले कुलचे खा रहे हैं। हम अंकल बना रहे हैं और अब हम खाएंगे छोले कुलचे। इन दोनों की ट्रेनिंग देखो। तो गाइस, पायल दीदी ने मुझे रेडी किया है और अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। ये थे लक्ष्मण झूला के आसपास की लोकल मार्केट और बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे स्टोन्स और हैंडलूम्स वगैरह की मार्केट थी और कैफेज भी थे, बहुत ही सुंदर था। और अभी हम लक्ष्मण झूला देखने जा रहे थे। बड़ा
लक्ष्मण झूला ढूंढ रहे हैं। हाँ दिख रहा है पर मिल नहीं पा रहा उसका रास्ता। वैसे तो बंद है पर हमें देखना है, फिर भी आए हैं तो। हम अभी लक्ष्मण झूला आ गए हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बंद है तो हम वहाँ नहीं जा सकते। वो क्या बोल रहे थे भाई दीदी अंकल, कैसा बन रहा है यहाँ पे? ग्लास वाला लक्ष्मण झूला बन रहा है और ये हट जाएगा पूरा, जैसे चाइना में ऐसा कुछ कह रहे थे वो अंकल, पूरा ग्लास का लक्ष्मण झूला बनेगा। तो अभी हम लक्ष्मण झूला आ गए हैं और बंद है पूरा क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, बताया मैंने। और अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट गंगा आरती देखने, तो वहाँ पे जाते हैं ऑटो देखते हैं मिलता है नहीं। कुछ खाया भी नहीं यार, कुछ खाने चलते हैं ना। अभी हम मोमोज खाने रुक गए हैं लक्ष्मण झूले के थोड़े पीछे, और छोले कुलचे हम ऊपर ही छोड़ा है, खाए ही नहीं। अभी जाएंगे और अभी हम पहले मोमोज खा रहे हैं, फिर जा रहे हैं छोले कुलचे खाने, फिर जा रहे हैं त्रिवेणी घाट गंगा आरती देखने। डन है, तो हमारे मोमोज आ गए हैं। और इसके लिए फूड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसने व्लॉग के लिए वेट भी नहीं किया। अब हम खा रहे हैं फ्रूट्स, मतलब मैं नहीं, ये दोनों, मतलब एक दो खा लूंगी। आई ऑल्सो डोंट लाइक यू। अब हम जा रहे थे त्रिवेणी घाट को, जहाँ जाके हमें बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो मैं इस वीडियो में वो नहीं दिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप देखना वो। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।